नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शेयर के विभाजन के बाद IRCTC के शेयर चमके, क्या आपको निवेश करना चाहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए चलते हैं टॉपिक्स पर। स्टॉक स्लिप्ड के बाद IRCTC का स्टॉक प्राइस 500 से 550 रुपये हो जाएगा, जो अभी उसका शेयर प्राइस है 2666 रुपये, यानी 2666 रुपये। IRCTC के अपने वित्त वर्ष 2021-22 के तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए कंपनी के 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपये फेस वैल्यू के शेयर में विभाजित का ऐलान किया। अभी इस प्रस्ताव को शेयर होल्डर और रेलवे मिनिस्ट्री की मंजूरी मिलनी बाकी है। अगर यह मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी के 10 रुपये फेस वैल्यू के शेयर 2 रुपये फेस वैल्यू के 5 शेयर में बढ़ जाएंगे। IRCTC का स्टॉक प्राइस 500 रुपये से 550 रुपये के आसपास आ जाएगा। वर्तमान में IRCTC का शेयर 2666 रुपये पर नज़र आ रहा है। बाजार जानकारों का कहना है कि शेयर के इस डिवीजन से कंपनी के वैल्यूएशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे IRCTC के शेयरों में छोटे निवेशक भी निवेश कर सकेंगे। दिग्गजों का सलाह है कि छोटे निवेशकों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और IRCTC को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं सौरभ जैन क्या कहते हैं। SMC ग्लोबल सिक्योरिटी के सौरभ जैन का कहना है कि इस शेयर में विभाजन से कंपनी के वैल्यूएशन और वर्तमान काल धारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे छोटे निवेशकों को IRCTC में निवेश करने का आसानी होगी। जो निवेशक अब तक इसमें महंगे शेयर में समझ कर निवेश करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वह इस निवेश शेयर में निवेश कर सकते हैं। वहीं GCL सिक्योरिटी के रवि सिंघाल का कहना है कि इस शेयर में विभाजन से वर्तमान शेयर धारकों को IRCTC से में बने ही रहेंगे, लेकिन शेयरों के सस्ता हो जाने पर निवेशक की तरफ से भी बड़ा निवेश आ सकता है। इससे बाजार में IRCTC के शेयर में लिक्विडिटी बढ़ेगी। रवि सिंघाल का कहना है कि ऐसे ही निवेशक जो अभी तक IRCTC के महंगे शेयर में निवेश करने से हिचकते थे, उनको अब 450 से 470 के रेंज में मिलेंगे, पर 370 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें निवेश करना चाहिए। अगले 4 से 5 साल में ये शेयर फिर एक अपने उसी प्राइस पर पहुँचता नज़र आ सकता है जहां इसको विभाजन किया गया है, यानी कि अभी उसे 2666 प्राइस पे विभाजन, मतलब उसे 5 भागों में बांटा जा रहा है। अभी इसका प्राइस 500, 550 या 770 रुपये हो सकता है। 4-5 साल के बाद ये शेयर फिर उसी प्राइस पे पहुंच जाएगा जितने का विभाजन हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।